कॉन्फ्रेंस ने 370 घाटी में बहाल करने का वायदा किया है। उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की बात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में कहा कि सरकार बनने पर वे सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के लिए काम करें। इसके अलावा एक और बड़ी घोषणा जो मैनिफेस्टो में की गई वो है पाकिस्तान को लेकर। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बातचीत के फेवर में हैं। ये मैनिफेस्टो जनता को कितना आकर्षित करेगा ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जिस 370 को लेकर बीजेपी ने यह बताया कि कैसे घाटी में अब सारी चीजें सामान्य करने की कोशिश की गई, वो जो कुछ स्पेशल स्टेट के तौर पर चीजें दी जाती थी, कुछ जो डिसिमिलैरिटीज थी उसको दूर किया गया, लेकिन अब उसे वापस बहाल करने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से कही जा रही है। क्या कहा जा रहा है इस पर वो आपको सुना। क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं आया था जिसमें उन्होंने 370 को अपहोल्ड किया था ना? तो अगर इससे पहले तीन बार सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 370 को अपहोल्ड किया जा सकता है और उसके बाद इस फैसले से वो तीन फैसले बदल गए, क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कल को ऐसे हालात बनेंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है आने वाला कोई सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज करे? अगर तीन फैसले के बाद भी बीजेपी ने हार नहीं मानी तो क्या हम एक फैसले के बाद हार मानेंगे? हमने कभी ये नहीं कहा कि रातों रात हम ये कर पाएंगे, लेकिन हम ये लड़ाई छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हमने कहीं पे भी लोगों से ये नहीं कहा कि आप हमें वोट दे दो तो कल हम ये चीजें जो है हासिल करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये यकीन दे रहे हैं कि इन मामलों पे हम खामोश नहीं रहेंगे, इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी को 10-20 साल लगे, चलिए ना हम 10-20 साल की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हालात इस मुल्क में बदल जाएंगे और हम अपना ये वादा जो है पूरा कर पाएंगे। तो आपने सुना कि कैसे उमर अब्दुल्ला ने धारा 370 की बहाली को लेकर बड़ा बयान दिया, अपने मैनिफेस्टो में इसे शामिल कर लिया। उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को लेकर भी इस दौरान एक बड़ी बात कही। वो कह रहे हैं कि हम हमेशा से बातचीत के हक में हैं, यानी कि पाकिस्तान से बातचीत के हक में, जो पाकिस्तान बातों की बात तो समझता ही नहीं, जो पाकिस्तान सिर्फ गोलियों की भाषा समझता उससे बातचीत के हक में उमर अब्दुल्ला है। आपको ये भी सुनाते हैं कि पाकिस्तान को लेकर वो क्या कह रहे हैं। तब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो ना कि डायलॉग हमने करना नहीं है। हमने कहा वी विल इनकरेज इट। तो आप क्या सुनना चाहते हो हमसे, कि हम डिस्करेज करेंगे? ऑब्वियसली नॉट ना। हम हमेशा से बातचीत के हक में रहे हैं, आगे भी बातचीत के हक में रहेंगे। एज अ रिस्पॉन्सिबल पोलिटिकल पार्टी शुड वी बी इन गवर्नमेंट, वी विल डू एवरीथिंग इन आवर पावर टू एनकरेज दैट डायलॉग। Yeah, we will encourage a dialogue between the two countries. What is wrong with that? What is wrong in encouraging a dialogue? देखना, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या कहा? कहा हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। अगर हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते, चलिए आज बातचीत के हक में माहौल नहीं है, कल को हम उम्मीद कर सकते हैं माहौल होगा। और मैंने हर बार कहा है कि माहौल कायम करना ये सिर्फ हमारे मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है, बातचीत के लिए माहौल कायम करना ये पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है, लेकिन हम अपने तरफ से बातचीत के लिए जो है हम इसके हक में रहेंगे, हम इसके हक में थे और रहेंगे, इसमें किसको एतराज हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को पढ़ा तो उस पर बड़ा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि यहाँ की जनता विकास चाहती है, जनता तय करेगी कि 370 बहाली वाला बिल आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, लेकिन परिवारवाद और भ्रष्टाचारवाद वाली पार्टी तो कम से कम नहीं आनी चाहिए। जी किशन रेड्डी ये तमाम बड़ी बातें कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर का जनता विकास चाहते हैं, पुराने जो संगठन थे, व्यवस्था थी, याद है सब लोगों को। आज जो बदलाव स्थिति में जम्मू कश्मीर जनता को विश्वास देने के लिए प्रयास करेंगे। बिल्कुल जम्मू कश्मीर में परिवारवाद भ्रष्टाचारवाद पार्टी नहीं आना चाहिए, इसके लिए हम पूरा तैयारी से चल रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर जनता तय करेंगे 370 बिल आना चाहिए नहीं आना चाहिए, जम्मू कश्मीर का जनता। और
साहिल सोहेल हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। साहिल, मैनिफेस्टो में दो बड़े बिंदु नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पहला तो ये कि 370 की बहाली होगी, दूसरा पाकिस्तान से बातचीत के फेवर में रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सत्ता में आते हैं तो। लेकिन कुल मिलाकर इस मैनिफेस्टो से और बीजेपी के रिएक्शन से ये बात तो साफ हो गई है साहिल कि 370 का मुद्दा जम्मू कश्मीर के चुनाव में इस बार बहुत बड़ा रहने वाला है, जो आगे भी हो सकता है कि समय समय पर इस्तेमाल किया जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने कल अपना घोषणा पत्र जो है पब्लिक के सामने रखा, और इस मैनिफेस्टो में उन्होंने 12 गारंटियों की बात की, और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण गारंटी जो उन्होंने लोगों के बीच रखी वो 370 को लेकर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में बताया कि 370 की बहाली की लड़ाई वो हमेशा लड़ते रहेंगे, और इस घोषणा पत्र में उन्होंने साफ कर दिया कि 370 की बहाली, 35A की बहाली के लिए वो लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इससे बढ़कर जो 2000 वर्ष में फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर प्रस्ताव पारित किया था और ये कहा था कि जो 1953 से पहले जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति थी उसकी बहाली के लिए किया जाए, लेकिन उस वक्त की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उस प्रस्ताव को रिजेक्ट किया था। इस मैनिफेस्टो में सबसे पहले उसी बात का जिक्र किया गया है कि ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन के लिए तमाम कोशिशें की जाएंगी, उसके बाद धारा 370 की बहाली, 35A की बहाली, ये अहम मुद्दे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में जारी किए हैं। इसके बाद अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का घोषणा पत्र आने वाला है, वही कांग्रेस भी लगातार स्टेटहुड पे बात कर रही है। कुल मिलाकर जो इस वक्त जम्मू कश्मीर या कश्मीर घाटी की पॉलिटिक्स है वो 370 को ही मुद्दा बनाया हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज ने, और 370 पे ही आप जो ये चुनाव है विधानसभा का चुनाव ये यहाँ पर लड़ा जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला ने 370 के बाद का पहला चुनाव 370 पर ही होगा, जनता ये तय करेगी बहाली चाहिए या फिर नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस भी कई बार कह चुकी है, संसद के अंदर कह चुकी है कि 370 हम फिर लेकर आएंगे। अब साहिल, आप बने रहिए हमारे साथ, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पर जम्मू कश्मीर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि आर्टिकल 370 अब खत्म हो चुका है और मुर्दा जिंदा नहीं होते। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है ये झूठ, धोखा और फरेब का एक पुलंदा है। दिल बहलाने के लिए एक ऐसा मैनिफेस्टो बनाया गया है जैसे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सब कुछ कर सकती है। सबसे पहला जो उन्होंने इसमें कहा था आर्टिकल 370 और 35A किसी भी सूरत में वापस नहीं ला सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कोई भी पार्टी अब 370 या 35 को वापस नहीं लग सकती, क्योंकि जो मर चुका है मुर्दे जिंदा नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी का सीधे सीधे उसमें कहना है कि टेरर एंड टॉक कहां टू किधर, बात और गोली एक साथ नहीं हो सकती है, और इसलिए ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है, झूठा मैनिफेस्टो है, धोखा है, फरेब है जम्मू कश्मीर के लोगों के। जो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसमें वादे किए किसी भी वादे को पूरा नहीं कर सकते। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत राय जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रविकांत, जम्मू कश्मीर का चुनाव जैसा कि साहिल भी बता रहे हैं कि 370 के इर्द गिर्द ही रह सकता है, हर राजनीतिक पार्टी इस पर हो सकता है कि अपनी सियासी बिसात को बिछाए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि मुर्दों को कैसा जिंदा किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैनिफेस्टो देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो वहां तो बात मुर्दों को जिंदा करने की हो रही। देखिए अनुराग, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि 370 और 35A को वापस लाना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी वैधानिक प्रक्रियाएं हैं और संसद के दोनों सदनों में बहुमत के आंकड़े चाहिए और विधानसभा में भी, वो फिलहाल संभव नहीं है। लेकिन ये बयान देकर उन्होंने अपने वोटर्स को मैसेज दे दिया है, खासतौर पर माइनॉरिटीज के जो लोग हैं वो उनके अगेंस्ट में जो उनका कोर वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो जानते हैं कि 370 के हटने से डेवलपमेंट हुआ है और वो वोट जो है बीजेपी को ही जाएगा, इसीलिए अपने कोर वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए उमर अब्दुल्ला ने, जिसे कहते हैं कि राजनीतिक शगुफा, छोड़ा है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो पहला प्रस्ताव विधानसभा में यही पास करेंगे और पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। ये साफ तौर पर इंडिकेट करता है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो अब्दुल्ला परिवार है जिस तरीके की परंपरागत राजनीति करता आया है हिंदू विरोध की, वो करता रहेगा। और 370 के माध्यम से क्या हुआ, उन लोगों के हक को मारा गया
जिनका जेन्युइन हक था। अगर महिलाओं को जमीन खरीदने की हक की बात की जाए, इंडस्ट्री की बात की जाए, तो 370 की आड़ में ये सारा खेल खेला गया। और बीजेपी भी इसी को मुद्दा बनाने जा रही है, क्योंकि 370 और 35A के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में किस तरीके से इंडस्ट्री आई है। लगभग 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। टूरिज्म में अगर बात करें तो 1-2 लाख पर मंथ लोग जो है जेएन के विजिट कर रहे हैं, और है। इसके साथ ही जो आरक्षण का फायदा है वो भी लोगों को मिला है। तो एक तरीके इतनी से विरोधी के साथ साथ अभिकान, जैसा कि आपने बताया कि घाटी में विकास हुआ, बीजेपी उसी विकास को इंडोर्स करती है, जनता 370 के घेरे में उलझेगी, 370 वापस लाना है नहीं लाना है इसमें उलझेगी, या विकास पर वोट करेगी, देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया रविकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बात अगली